यस मैं लाल सिंह रामलिया सूरज हिंदी विद्यालय से आज कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए हम बताने जा रहे हैं अर्थशास्त्र विषय में। इसमें अर्थशास्त्र विषय में पाठ के नाम पहले पाठ में अर्थशास्त्र में आलेख एक आलेख के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले अर्थशास्त्र अर्थात क्या अर्थशास्त्र के बारे में हम विद्यार्थी मित्रों आपको हम जैसे सभी पढ़ते तो हैं पढ़ रहे हैं तो किस तरह से कैसे रीडिंग राइटिंग और लर्निंग ये तीनों तीन साथ में करते जाएंगे। ठीक है आप अपने बुक निकालेंगे बुक निकाल के इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा प्रस्ताव क्या प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में लिखिए यस आकृति एवं आलेख का अर्थ सांख्यिकी की दृष्टि से आकृति और आलेख अलग अलग प्रकार के चित्र हैं। बच्चों देखो क्या है सांख्यिकी की दृष्टि से देखा जाए तो आकृति और आलेख अलग अलग प्रकार के चित्र हैं और उनका उपयोग भी अलग अलग कारणों से किया जाता है। अर्थशास्त्र में भी आकृति एवं आलेखों का उपयोग अलग अलग प्रकार से होता है। आकृति देखिए बच्चे ध्यान से सुनिए आकृति सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। ठीक है क्या सामान्य रूप से अवलोकित किए जानकारी का चित्र द्वारा जो प्रतिनिधित्व करता है उसे आकृति कहते हैं। आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है क्या लिया जाता है स्केल का माप लिया जाता है परंतु उसको बनाने के लिए सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता। सांख्यिकी की दृष्टि से जानकारी की आवृत्ति निरंतर न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्द में कहें तो आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है क्या स्वयं स्पष्ट यानी खुद को वे विद्यार्थी खुद को स्वयं को स्पष्ट होना चाहिए विश्वास बैठना चाहिए बिठाने के लिए आकृति को बनाई जाती है। उसको बनाने या सामान्य लोगों को समझाने के लिए सांख्यिकी के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। आकृतियों का उपयोग विज्ञापन देखो आकृति का उपयोग विज्ञापन करने वाली कंपनियां आकर्षण पैदा करने के लिए सरकारी जानकारी प्रदान करने हैं तो सामाजिक संस्थाएं जागरूक फैलाने हेतु करती हैं। अब ये हुई आकृति की परिभाषा शांति से एक एक शब्द पढ़कर इसको उपयोग में ले। ठीक है अब दूसरा नंबर है आलेख। आलेख भी आकृति की तरह आलेख भी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करता है किंतु आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती। जब जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाना हो तो आलेख बनाया जाता है। सतत आवृत्ति में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी के साधनों का उपयोग करना पड़ता है अलबत्त अन्य प्रकार की स्पष्ट सांख्यिकी जानकारी के लिए भी आलेख बनाया जाता है। आलेख बनाने एवं समझाने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक होता है। एक्स और वाई अक्ष पर बनाए गए चतुर्थांश में से एक या अधिक चतुर्थांश पर आलेख व्याप हो सकता है इसलिए निश्चित स्केल माप बिना आलेख बनाना असंभव होता है। तो आलेख बनाने के लिए निश्चित स्केल माप होना चाहिए। सामान्य रूप से आलेख ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है किस पर बनाया जाता है ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। आलेख का उपयोग संशोधनकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा में अधिक किया जाता है। सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग नहीं होता है। आवृत्ति का उदाहरण देखिए आवृत्ति का उदाहरण है असतत आवृत्ति का उदाहरण तालिका नंबर 1.1 में देखे कीमत एक मांग इकाई में आवृत्ति 100
दो पे 80 है, पाँच पे 70 है, सात पे 20 है और 10 पे 10 है। तो इसी तरह से ये स्केल माप से इनको एक आलेख द्वारा इसको दर्शाई जाती है। और सतत आवृत्ति में उदाहरण देखिए, आय का वर्ग लोगों की संख्या आवृत्ति, अंक का वर्ग विद्यार्थियों की संख्या आवृत्ति। इसी तरह से इसको ये दर्शाना है तालिका के आधार पर, ए और बी दोनों तालिका दी हुई है, ठीक है। अर्थशास्त्र में आकृतियों एवं आलेखों का महत्व आप देखो, महत्व क्या है अर्थशास्त्र में आकृति एवं आलेख का महत्व निम्न प्रकार से देखो। सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटा, एकदम कठोर में से कठोर अटपटा लगने वाला अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनता है। किसके द्वारा बनता है साथियों? आकृति द्वारा सरल बनता है और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। स्पष्ट करने के लिए आलेख बनाना आवश्यक होता है। नंबर दो, अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझानों का सरलता से एक ही आकृति अथवा आलेख में देखा जा सकता है। नंबर थर्ड, तीसरा नंबर में है अर्थतंत्र में विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को भी आसानी से समझा जा सकता है। चौथा नंबर है अर्थशास्त्र अर्थतंत्र के कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र एवं समयावधि के बीच तुलना सरलता पूर्वक की जा सकती है, ठीक है। पांचवा नंबर है अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातों को समझने एवं समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले, जो लिखता है और सामने से जो पढ़ने वाले के समय एवं शक्ति की बचत होती है, क्योंकि आकृति और आलेख द्वारा अनेक बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नंबर छः नंबर अर्थशास्त्र के कई कठिन सिद्धांत आकृति एवं आलेख की मदद से सरल बनते हैं, जैसे मांग और पूर्ति का विस्तार, संकुचन अथवा उसकी मूल्य सापेक्षता आकृति द्वारा सरल बनती है, समग्र लक्षित तत्वों में हुए रुझानों की सामायिक श्रेणी आलेख द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है, जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में आने वाले अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन, अल्पकालीन यानी कम और दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक की आकस्मिक परिवर्तन अथवा किसी उद्योग में हुए नियमित परिवर्तनों एवं रोजानों की सामायिक श्रेणी आलेख द्वारा जाना जाता है, और दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन परिवर्तनों के रुझान आलेख द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। आकृति में क्या है? सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र, अवलोकित जानकारी का चित्र, अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा, चित्र द्वारा, नोट करें बच्चों, चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व, चित्र द्वारा क्या प्रतिनिधित्व 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 अर्थात क्या अर्थात आकृति क्या आकृति ये परिभाषा नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए आकृति बनाते समय, अब देखो आकृति कोई भी आकृति बनाते हैं, आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है। किसका? स्केल का। आपके पास में स्केल और स्केल से माप लिया जाता है। कोई भी आकृति बनाई जाती है तो उस आकृति के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? पहले स्केल का। किसका? स्केल का, ठीक है। स्केल माप लिया जाता है, परंतु माप लेने के बाद परंतु उसको बनाने के लिए सांख्यिकी का
गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता। अब उनको बनाने के लिए सांख्यिकी यानी आंकड़ों का गहन अध्ययन या आंकड़ा तो कुछ भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो आंकड़ों का क्या गहन अध्ययन नहीं होता। सांख्यिकी की दृष्टि से जानकारी की आवृत्ति निरंतर हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। अब क्या कह रहा है कि सांख्यिकी की दृष्टि से, सांख्यिकी ख्याल में रखते हुए, आकृति निरंतर न हो यानी सतत, निरंतर का मतलब क्या, सतत न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है, आवश्यक नहीं होता। क्या तब आवश्यक नहीं होता, ठीक है। अब देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो, आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। आकृति क्या कह रहा है, स्वयं यानी खुद स्पष्ट ज्ञान करने के लिए आकृति बनाई जाती है कि स्वयं को विश्वास हो जाना चाहिए कि ये आकृति इस प्रकार की है, से इसको किस तरह से कैसे कितना लंबाई चौड़ाई वगैरह सब कुछ देखने के लिए स्वयं को ख्याल होना चाहिए, स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, तब हम आकृति किसी बना सकते हैं, ठीक है। उसको बनाने का सामान्य लोगों की सामान्य लोगों के लिए सांख्यिकी के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। आकृतियाँ का उपयोग विज्ञापन करने वाली, आकृतियों का उपयोग क्या है, उपयोग करता है कि विज्ञापन यानी जाहिर है क्या, विज्ञापन करने वाली कंपनियां। साथियों आपने देखा होगा कि विज्ञापन पत्र पत्रिका में आते हैं, जाहिरात आती है, तो उस जाहिरात किस आकृति के साथ में आते हैं, तो हम कितने आकर्षित होते हैं उसको पढ़ते हैं, पढ़कर हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ का जो भी हो, तो उसको क्या करते हैं, हम उपयोग में लेते हैं और बार बार देख के फिर इसका ध्यान करके फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। कंपनियां आकर्षण पैदा करने के लिए, ठीक, सरकार जानकारी प्रदान करने हेतु, सामाजिक संस्थाएं जागरूक करने हेतु करती है। देखो सरकार क्या करती है, अभी देखो आकृति क्यों, सरकार ने क्या किया कि सरकार जानकारी देने हेतु और समाज को जागरूक करने के लिए, किसको, समाज को जागरूक करने के लिए एक संकेत द्वारा, आकृति द्वारा समाज को समझाया जाए, और एक देखो आकृति द्वारा भी समझाया जाता है, साथ में कुछ वक्तव्य द्वारा भी समाज को समझाया जाता है। लेकिन हमारा यह क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आकृति पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आकृति। तो अर्थशास्त्र में आकृति बनाएंगे आकृति के बारे में, ठीक है। साथियों धन्यवाद, आज का अपना इतना ही रखते हैं, आकृति तक रखते हैं, ठीक है। अब आपको प्रस्ताव समझ में आएगी अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में आपको समझ में आ गया, अर्थशास्त्र में आलेख का मतलब क्या है, आलेख कितना प्रकार के, दो प्रकार के आकृति और दूसरा होगा आलेख, ठीक है, क्या होगा आलेख, यहाँ तक रखते हैं। अब ये आलेखता है, हम बल विस्तार से आपको समझाएंगे, इतना आप आराम से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में इसको याद करते रहना, नोट करते रहना, ठीक, और बाकी का कल हम पढ़ेंगे आलेख के बारे में। धन्यवाद।